हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसके आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 3 वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है जो कि रेफरेंस कैलेंडर से है। यहाँ देखिए बोला क्या है। बोला है 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। ठीक है, 5 फरवरी 2018 का दिन हमें पता है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। सोमवार था यानी कि मंडे था। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमें बताना है कि 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसके आधार पर हमें क्या बताना है कि 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो यह क्वेश्चन आपका रेफरेंस कैलेंडर का हो गया। रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन किसको बोलते हैं? तो किसी भी तारीख का दिन दिया जाए और उसके बेसिस पर अगली या पिछली तारीख का दिन आपसे पूछा जाए तो यह क्वेश्चन आपका रेफरेंस कैलेंडर का होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए दोनों जगह डेट सेम है और मंथ भी सेम है, तो इस पार्ट को आप मत देखिए। डेट और मंथ सेम है, इस पार्ट को मत देखिए, ईयर में चलिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि विषम दिन निकालेंगे और उसी के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 2018 से 2009 में कितने साल का अंतर है? 9 साल का अंतर है, तो 9 विषम दिन तो यह हो गया। ठीक है, 9 साल का अंतर है तो 9 विषम दिन तो यह हो गया। अब 9 वर्ष है, यह 9 दिन नहीं है। अगर 9 दिन होता तब तो सीधे विषम दिन आपका निकल जाता, लेकिन 9 साल है और साल को विषम दिन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि इसमें इस दरमियान जितने भी लीप वर्ष आए होंगे ना उसको ऐड कर लीजिए। 2018 से 2009 में 9 साल का अंतर। अब देखेंगे कि 9 से 18 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। पहला लीप वर्ष इसके बीच में 12 आएगा। अब 4 साल बाद तो 16, फिर 4 साल बाद तो इसके रेंज से बाहर हो जाएगा। यानी 9 से 18 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे? 2 लीप वर्ष आएंगे। सबसे पहले तो इन वर्षों में जो डिफरेंस होगा उसको लिखिएगा और उसके बाद 9 से 18 के बीच में जितने भी लीप वर्ष आएंगे उसको इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, पहला लीप वर्ष 12 होगा, उसके बाद 16 है ना, 4 साल पे होता है ना, तो 12 के बाद अगला क्या होगा? 16 होगा। मतलब 2 ही आया इसके बीच में लीप वर्ष। तो हमें क्या करना है? ईयर प्लस लीप ईयर करना है। तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। अब जो वैल्यू आया है इसको गौर से देखिए। अगर यह 7 से बड़ा हो ना तो आप इसमें 7 से भाग करके शेष निकालिएगा। तो 11 में 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। तो यही 4 हमारा फाइनल विषम दिन आया। कैसे निकालेंगे फिर से समझिएगा। क्या करना है आपको? जितने साल का अंतर हो उसको लिखिए, उसके बाद इन वर्षों के बीच में जितने भी लीप वर्ष आए होंगे उसको ऐड कर लीजिए। तो 9 से 18 के बीच में 2 लीप वर्ष आएगा तो 2 इसमें ऐड कर दिए। 9 2 11, 11 का मतलब कैलेंडर में होता है 4। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा आए ना तो हम 7 से भाग करते हैं क्योंकि कुल मिला के दिन कितना है हमारे पास? 7 ही हैं। तो 11 का मतलब 4। अब जो फाइनल हमारा विषम दिन आया है वह 4 आया है। अब इस विषम दिन को या तो हम लोग प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो कैलेंडर में अगर आपको आगे जाना होगा तो जो भी विषम दिन निकला है उसको प्लस करेंगे, और कैलेंडर में अगर पीछे जाना होगा तो जो भी विषम दिन आपने निकाला है उसको माइनस करेंगे। तो देखिए 18 का दिन हमें पता है 9 का निकालना है, 18 का दिन हमें पता है 9 का निकालना है, यानी कैलेंडर में पीछे जाना है। तो जो विषम दिन निकला है ना उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो मंडे माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, यानी कि गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मंडे माइनस 4 करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना है इस विषम दिन को? या तो प्लस करना है या माइनस। कैलेंडर में आगे जाना होता तो प्लस करते, इस बार पीछे जाना है तो माइनस करेंगे। एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, क्या होता है ना कि 4 दिन पहले वही दिन होगा जो आज से 3 दिन बाद होगा। ठीक है, 4 दिन पहले वही दिन होगा जो 3 दिन बाद होगा, 5 दिन पहले वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा। ठीक है, 6 दिन पहले वही दिन होगा जो 1 दिन बाद होगा। बस इसका सम आपको क्या कर लेना है? इसका सम आपको 7 रख लेना है। तो ध्यान रहे कि 4 दिन पहले का दिन निकालने में अगर कठिनाई हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस 4 करने के बजाय आप प्लस 3 भी कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा क्योंकि 4 दिन पहले भी वही दिन होगा जो 3 दिन बाद होगा। तो मंडे प्लस 3 करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि आज जो है ना मंगलवार है, तो आज से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा?
अब 6 दिन पीछे जाने में तो हमें कठिनाई होगा, तो हम ऐसा करते हैं 6 दिन पहले वही दिन होगा जो आज से 1 दिन बाद होगा, इसका समसात हो जाना चाहिए। तो ट्यूजडे माइनस 6 करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा ट्यूजडे प्लस 1 करने के तुलना में। तो ट्यूजडे प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, वेडनसडे हो जाएगा, यानी आज से 6 दिन पहले वेडनसडे होगा। आप माइनस 6 करने से बेहतर क्या होगा कि प्लस 1 कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें माइनस 4 करना है, लेकिन माइनस 4 से बेहतर क्या है, हम प्लस 3 कर लें। माइनस 4 करने पर भी वही रिजल्ट आएगा और प्लस 3 करने पर भी वही रिजल्ट आएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से है। बोला है श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आइए पूरा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए एक नंबर पे, सी पाँच नंबर पे, तो छः नंबर पे, सॉरी, ए एक नंबर पे और एफ छः नंबर पे, तो एक और पाँच छः, छः और पाँच ग्यारह, ग्यारह और पाँच सोलह, सोलह और पाँच इक्कीस। इक्कीस नंबर पर कौन सा लेटर है, इक्कीस नंबर पर यू है, तो सबसे पहले हम यू लिखेंगे। तो यू से शुरू होने वाला जो विकल्प होगा वही आंसर होगा, तो दो विकल्प तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे लेटर को चेक करिए। देखिए, ए ई आई ओ, याद करिए, ए उसके बाद क्या है, ई है, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है, तो अब अगला क्या होगा, यू होगा। यह वास्तव में भॉवेल को लिया है, सीरियल से भॉवेल, ए भॉवेल है, उसके बाद ई है, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है, तो अगला भॉवेल क्या होगा, यू, ए ई आई ओ यू होता है। यू यू वाला दो ऑप्शन है। अब आगे देखिए, जेड देखिए, 26 पे, 26 माइनस 2 24, 24 माइनस 3, देखिए पहले तो आपका माइनस 2 किया, अब माइनस 3 किया, अब आगे देखिए माइनस कितना किया गया है, 21 माइनस 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 5 करेंगे, तो 17 माइनस 5 12, 12 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, L होगा, यानी यू यू एल विकल्प सी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कथन और अवधारणा से है। अवधारणा या फिर इसको कभी कभी पूर्वधारणा भी बोला जाता है, इसको हम लोग स्टेटमेंट और एजप्शन बोलते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना होता है ना, कि कथन के बेसिस पर हमें यह तय करना होता है कि इस कथन के अंदर कौन सा अवधारणा, कौन सी पॉसिबिलिटी, एजप्शन अंतर्निहित है। हमें क्या देखना होता है कि इसके अंदर जो है इस बात से क्या निकलता है, कौन सा अवधारणा निकलता है, यह बताना है। जैसे देखिएगा क्या बोला है कथन में, कि वाई ने जेड से कहा कि पीक आवर्स, पीक आवर्स कहने का मतलब होता है कि जिस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो, उसको हम लोग पीक आवर्स बोलते हैं। तो पीक आवर्स में टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है, पीक आवर्स में टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। आप फोर व्हीलर को ले जाइएगा तो जहां तहां फंस जाएगा, ठीक है, जाम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी पीक आवर्स में। इस वजह से बोला गया है कि पीक आवर्स में टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। अब इसमें कौन सा पूर्वधारणा अंतर्निहित है, उसको आपको देखना है। तो पहला पूर्वधारणा क्या बोला है, पहला अवधारणा क्या बोला है, बोला है टू व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना। नेविगेट करने का मतलब होता है इधर उधर करना, है ना, लेफ्ट राइट करना, चलना, है ना, यात्रा करना क्या होता है, आसान होता है। तो बोला टू व्हीलर से ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है, बिल्कुल सही बात है। टू व्हीलर से ट्रैफिक में, यानी जब ज़्यादा ट्रैफिक हो, रश हो, उसमें भी नेविगेट करना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है, उसको पास करना आसान होता है। तो यह जो अवधारणा है वह इसमें तो अंतर्निहित है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या बोला है, टू व्हीलर के लिए अलग लेन है। अच्छा, टू व्हीलर के लिए अलग लेन है, ऐसा तो कहीं इसमें बोला नहीं गया है, यानी यह जो दूसरा अवधारणा है वह इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है, लेकिन जो पहला अवधारणा है वह इसके अंदर अंतर्निहित है, यह अवधारणा इससे स्पष्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक अंतर्निहित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए हमें क्या बताना है, उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग काउंट करना है। देखिए वर्ग काउंट करने का ट्रिक क्या है, आप क्या करिए ना कि जितने भी कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए, तो एक दो तीन चार, अब जितने भी रो है उसमें भी नंबरिंग करिए, एक तो कर चुके हैं, दो तीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना कि रो गुने कॉलम करना है, तो रो का जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू से गुना करिए। तो आपको करना है पहला काम 3 × 4। अब आगे देखिए, अब प्लस देखिए दोनों को एक एक कम करिए, तो 3 को 1 कम करेंगे तो 2, 4 को 1 कम करेंगे तो 3, 2 × 3।
अब फिर से दोनों को एक 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 कम करिए, तो दो को एक कम करेंगे तो एक, तीन को एक कम करेंगे तो दो, और दोनों में से कोई एक हो जाए तो वहाँ पे आके आप रुक जाइएगा, क्योंकि एक के बाद कम करिएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी भी संख्या में गुना करिएगा तो जीरो हो जाएगा। क्या करना है, रो की बड़ी वैल्यू में कॉलम की बड़ी वैल्यू से गुना करिए, प्लस करके दोनों को एक एक कम करते जाइए। तो तीन है तो अब दो गुने तीन करेंगे, दो गुने तीन हो चुका है तो अब एक गुने दो करेंगे। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा तीन चौके बारह, दो तीया छः, बारह छः अट्ठारह, अट्ठारह और दो कितना हो जाएगा बीस, देखिए बारह छः अट्ठारह और दो बीस, यानी इस आकृति में कुल मिला के कितना आपका वर्ग हो जाएगा, बीस वर्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है यहाँ पे कि 100 लोगों के एक समूह में 86 या तो ठंडे या कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। देखिए ठंडा या कोल्ड ड्रिंक, तो यह वेन डायग्राम हो गया आपका ठंडा के लिए, ठीक है, यह वेन डायग्राम आपका हो गया किसके लिए, ठंडा के लिए, और एक वेन डायग्राम जो है 86 या तो ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं या आइसक्रीम। अच्छा, ठंडे ड्रिंक के अलावा एक क्या है आपका, आइसक्रीम है, ठीक है। चलिए दो वेन डायग्राम बना लिए हैं हम लोग, हाँ जी दो वेन डायग्राम बना लिए हैं, एक ठंडा के लिए और एक बना लिए हैं आइसक्रीम के लिए, ठीक है। ठंडा ड्रिंक इसको लिख लेते हैं, ठंडा ड्रिंक, और यह वाला हो गया किसके लिए, आइसक्रीम के लिए। अब ध्यान से एक टर्म को आप देखिएगा, यहाँ पे बोला है 86 लोग या तो ठंडा या कोल्ड ड्रिंक, मतलब इस दोनों को मिला करके कुल कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। ठंडा या आइसक्रीम मिला के कुल व्यक्ति कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। आगे 14 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे। आगे बढ़ते हैं, बोला यदि 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं, 62 कहाँ होना चाहिए, इस वाले सर्कल में 62 होना चाहिए, लेकिन 62 कहाँ पे लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, अभी कोई तय नहीं है, लेकिन 62 लोग जो है वह रेड वाले सर्कल में आएगा, क्योंकि रेड वाले सर्कल ही ठंडे ड्रिंक को पसंद को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे 21 लोग दोनों, दोनों से हमेशा शुरुआत करिएगा, दोनों पसंद करने वाला का संख्या कितना है 21, दोनों यानी कि ठंडा ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों पसंद करने वाला का संख्या 21, तो सबसे पहले इसका काम कर लीजिए। अब यहाँ पे आइए 62 लोग ठंडे ड्रिंक, ठंडे ड्रिंक में कुल मिला के कितना होना चाहिए 62, तो 21 तो आ चुका है, तो शेष कितना बचा 41, 41 और 21 देख लीजिए 62 हो जाएगा। तो 62 लोग ठंडे ड्रिंक, ठंडे ड्रिंक वाले सर्किल में, रेड वाले सर्किल में देख लीजिए 62 लोग हो गया। हमेशा दोनों वाले से शुरुआत करिएगा, दोनों पीने वाला का संख्या 21, ठंडा ड्रिंक वाला 62, तो 21 लिख चुके हैं तो शेष इधर 41 ही लिखेंगे ना, तभी तो 62 होगा। केवल ठंडा ड्रिंक कितना हो जाएगा 41, लेकिन ठंडा ड्रिंक कितना होगा 62 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमें क्या बताना था कि कुल मिला के 86 लोग हैं जो इस दोनों के अंदर आएगा, ठंडा ड्रिंक या आइसक्रीम मिला के कितना लोग, 86 लोग। तो अब तक कितना आ चुका है यहाँ 62, तो 62 में कितना ऐड करेंगे तो 86 होगा, 24 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा, है ना। 62 प्लस 24 कितना, 62 प्लस 24 86 देख लीजिए, ठंडा या आइसक्रीम पसंद करने वाला का संख्या 86 हो गया, 86 हो गया सर, इस लाइन का भी काम हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, बोला है तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम वाले में कितना व्यक्ति है, 24 और 21 यानी 45 व्यक्ति, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 45। आइसक्रीम, तो जो आइसक्रीम के अंदर है कितना लोग है, 21 और 24 45, लेकिन बोलता केवल आइसक्रीम पसंद करने वाला का संख्या तो आंसर क्या होता, 24, ठीक है। केवल आइसक्रीम तो 24, लेकिन आइसक्रीम तो 45, तो भाषा पे आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, मन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं, दोनों पहले पूर्व दिशा में, दोनों पहले पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा हमेशा आपको दाईं ओर लेना है, दोनों पहले क्या करता है, पूर्व दिशा में 500 मीटर की यात्रा करता है, दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर का यात्रा किया, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर जब भी बोलेगा तो घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में यानी कि नीचे, घड़ी तो ऐसे ही चलती है, दाहिनी ओर मुड़कर 200 मीटर, अब दाहिनी ओर मुड़कर कितना मीटर चला है, 200 मीटर चला है। दोनों चलने के बाद एक लॉन्ड्री में पहुँचते हैं, तो उनके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री है, देख लीजिए घर तो यहाँ पर है जहाँ से चलना शुरू किया था, और लॉन्ड्री यहाँ पे है, पूछा क्या है कि उनके घर से किस दिशा में, घर से देख लीजिए किस दिशा में लॉन्ड्री है, इस दिशा में है, तो यह कौन सा दिशा होगा, अब ध्यान से समझिएगा, सीधे अगर इस तरफ होता ना, सीधे अगर ऊपर की ओर होता तो यह कौन सा दिशा होता, उत्तर दिशा, सीधे नीचे की ओर होता तो कौन सा दिशा होता, दक्षिण दिशा होता,
दाहिने हाथ के तरफ होता तो पूरब दिशा होता, बाएं हाथ के तरफ होता तो पश्चिम दिशा होता, यह चला है इस वाले डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन चला है ना, देख लो यह वाले डायरेक्शन, तो दाईं ओर चला है और साथ में नीचे की ओर चला है, तो दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, विकल्प ए हो जाएगा। जब भी तिरछा चले ना तो समझ जाइएगा कि सब डायरेक्शन। अब पहचानेंगे कैसे, तो इसको देख लीजिए कि नीचे की ओर चला है कि ऊपर की ओर, तो देखिए नीचे की ओर ही तो चला है, तो नीचे की ओर चला है मतलब दक्षिण तो पक्का हो जाएगा क्योंकि नीचे में दक्षिण है। अब नीचे के अलावा दाहिने हाथ की तरफ चला है कि बाएं हाथ की तरफ, तो देखिए दाहिने हाथ की तरफ चला है ना, तो दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब दिशा हो जाएगा क्योंकि दाहिने हाथ की तरफ तो पूरब दिशा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का दक्षिण पूरब हो जाएगा। आगे बढ़िए इस वाले क्वेश्चन में, बोला है उस विकल्प का चयन करिए जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। देखिए हमें उस विकल्प का चयन करना है जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखा जाएगा। देखिए इस बार किस तरीके से बनाए हैं, थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, यहाँ 36 है, ध्यान रहे। देखिए क्या किया क्या है, 36 यहाँ पे 72 है, 36 दुना 72 और यहाँ पे आपका 144 है, 72 दुना कितना 144, समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, पहले 36 फिर 2 गुना 72 फिर 2 गुना 144, उसी तरह से यहाँ पे चलते हैं, यह है आपका 15 दुना 30 दुना 60, तीनों को रिलेट किया है, तो अब यहाँ से चलते हैं, यह है आपका 28 28 दुना 56 56 दुना 112, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी होगा। तो तीनों को यहाँ पे रिलेट किया गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, हमें बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। देखिएगा किया क्या गया है, यहाँ पे ना किया गया है आपका 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, अगला में क्या किया गया है 1 का क्यूब किया गया है, फिर क्या किया गया है आपका 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 का क्यूब, फिर क्या है आपका 4 का स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सबसे पहले 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे हम लोग 7 का क्यूब करेंगे, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, एक बार स्क्वायर और अगले नंबर का क्यूब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, विषम का यानी इन चारों में जो डिफरेंट है उसका चयन हम लोग को करना है, तो जेड 26 पे होता है, ठीक है, D4 पे होता है, ठीक है, M 13 पे होता है, M कितना पे होता है 13 पे होता है, यही आपका विषम है। कौन सा विषम है, सी वाला जो है वह विषम है, तो सी वाला के लिए कौन सा विकल्प, विकल्प ए, इस चीज़ का ध्यान रहे, जो पिक्चर सी है ना, या पिक्चर के लिए बोला है कि या पिक्चर सी है या पिक्चर बी है, तो पिक्चर सी विषम है, पिक्चर सी के लिए कौन सा विकल्प है, विकल्प ए, तो विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, उस चित्र का चयन करें जो अनुसरण करता है, हाँ जी, उस चित्र का चयन करें जो इसका अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इससे इस आकृति को बनाया गया है, तो इससे इस आकृति को बनाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा एंटी क्लॉक वाइज, इसको एक बार एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करिएगा, तो यहाँ पे चीज़ आ जाएगा, जो पेंटेड भाग है यहाँ पे आ जाएगा, जो ब्लैंक पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा, एक बार एंटी क्लॉक रोटेट करिएगा। सेम केस यहाँ पे, इसको एक बार अगर एंटी क्लॉक में रोटेट करिएगा, उस केस में क्या होगा, आपका जो आपका ब्लैंक पार्ट है वह यहाँ पे आ जाएगा, जो ब्लैंक पार्ट है वह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो ब्लैंक पार्ट है वहाँ पे आ जाएगा और जो पेंटेड वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा। तो पेंटेड पार्ट यहाँ पे, ब्लैंक यहाँ पे किस विकल्प में है, यहाँ पे इस वाले विकल्प में है, यानी कि आकृति सी आंसर होगा, आकृति सी के लिए विकल्प सी। देख लीजिए इसको जब हम लोग उसी तरह से रोटेट करेंगे, उसी तरीके से रोटेट करेंगे, तो यह भाग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का आपका आकृति दिखेगा, जिस तरीके से इसको रोटेट किया गया उसी तरह से इसको भी हम लोग रोटेट कर लेंगे। आगे बढ़िए, अगला सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कथन देख लीजिए क्या बोला है, सभी माताएं शिक्षक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना सिलॉक्स के क्वेश्चन में कि कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाते हैं, तो बोला है सभी माताएं शिक्षक है, तो यह वेन डायग्राम माताएं का हो गया, और जो भी माताएं हैं वह क्या है, शिक्षक हैं, जो भी माताएं हैं सब क्या है, शिक्षक हैं। आगे सभी शिक्षक ईमानदार है, जो भी शिक्षक है वह क्या है, ईमानदार है, तो सभी शिक्षक आपका ईमानदार हो गया, ओके, सभी शिक्षक क्या हो गया, ईमानदार हो गया, ओके। अब देखिए हम लोग क्या किए, कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बना लिए, अब वेन डायग्राम के बेसिस पर निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ शिक्षक माताएं हैं, बिल्कुल है, देख लीजिए यह पूरा का पूरा पार्ट किसका है, शिक्षक का, मतलब यह पूरा भाग शिक्षक का है, इसका कुछ पार्ट तो माताएं हैं, पूरा शिक्षक है, इसमें से कुछ क्या है, माताएं हैं, तो यह बिल्कुल सही है। आगे कोई शिक्षक बेईमान नहीं है, तो देखिए क्या बोला गया, सभी शिक्षक ईमानदार है,
तो सभी शिक्षक ईमानदार है, इसका मतलब क्या निकलता है कि कोई शिक्षक बेईमान नहीं होगा। जब सब ईमानदार है इसका मतलब कोई बेईमान नहीं होगा, तो दोनों सही होगा। आंसर क्या होगा हमारा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी विकल्प डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला है 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। पहली बात तो आपको हम यह बता दें कि किसी भी टाइम में ना हमेशा दो कोण बनता है, कोई भी टाइमिंग लीजिएगा वहाँ पे हमेशा दो कोण बनेगा, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। छोटे कोण का माप 180 से कम होता है, बड़े कोण का माप 180 से ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें 8 बजे का ना, तो देखिए 8 तो कुछ इसी तरीके से बजेगा, जो मिनट वाला सुई होगा वह तो 12 पे होगा, लेकिन जो आवर वाला सुई होगा वह आपका कहाँ पर होगा, 8 पे होगा। अब 8 आपका ऐसे बजेगा तो इस समय जो है आपका जो कोण बनेगा वो वही कोण बनेगा, यही वाला कोण बनेगा, तो यह तो एक छोटा कोण हो गया, इस तरफ से एक बड़ा कोण बनेगा, और इस दोनों कोण को अगर आप मिला देते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। कहने का यह मतलब है कि दोनों कोण को मिलाने पर 360 डिग्री होता है, तो अगर दोनों में से कोई एक कोण आप निकाल लेते हैं तो दूसरे कोण का माप 360 डिग्री में से घटा के निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि इधर वाला कोण अगर 100 डिग्री हो गया तो इधर वाला कोण 260 डिग्री हो जाएगा, यह 100 है ना, तो दूसरा कोण 360 में से 100 माइनस करिए 260 हो जाएगा। इधर वाला अगर 160 है तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस 160 200 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा। तो हमेशा एक कोण हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं और दूसरा कोण जो है वह 360 डिग्री में से घटा करके। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में जो समय दिया है उसमें केवल आवर है, तो तरीका यह है ना कि इसमें आप गुना करिए 30 से। अगर आप इसमें 30 से गुना करते हैं तो यह निकल जाएगा कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 8 बजे 8 * 3 = 24 240 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन रुक जाइए, आंसर चुनने में आप जल्दीबाजी मत करिए, 240 ऑप्शन में है, ध्यान से समझिएगा। 8 बजे 8 × 30, 7 बजे 7 × 30, 4 बजे 4 × 30, 12 बजे 12 × 30, यानी समय में केवल आवर रहे तो हम लोग इस केवल 30 से गुना करेंगे आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आवर और मिनट दोनों दे देता है उस केस में ना हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, 60H - 11m/2। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करते हैं, जब समय में आवर और मिनट दोनों दे, एच के जगह हम लोग आवर रखते हैं, एम के जगह मिनट रखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, तो 8 × 30 240 डिग्री, तो एक तो आपका इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। दूसरे कोण का माप कैसे निकालेंगे, तो दूसरे कोण का माप हम लोग 360 डिग्री में से घटा के, तो 360 डिग्री में से आप माइनस करिए 240, 360 डिग्री में से जब 240 डिग्री माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक कोण का माप 240 और दूसरे कोण का माप कितना निकला, 120 निकला। अब ध्यान रहे, आप फॉर्मूला से एक कोण का माप निकालिए ना, एक कोण का माप आप निकालिए फॉर्मूला से और दूसरे कोण का माप 360 डिग्री में से घटा करके निकाले, और यह दोनों एंगल सही है। देखिए यह 120 और इस तरफ से कितना होगा, 240। ऑप्शन में क्या है ना कि 240 और 120 दोनों आ गया, अब क्या करें, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन में दोनों आ गया 240 भी और 120 भी, अब क्या करें। तो अगर ऑप्शन में 240 होता केवल तो यही आंसर, अगर केवल 120 होता तो यही आंसर होता, लेकिन दोनों आ जाए उस केस में ना हम लोग प्राथमिकता देंगे छोटे वाले कोण को, यानी हमारा आंसर 120 डिग्री यहां पे हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है निम्नलिखित विकल्प में से उसको चुनिए जो भिन्न है, 4 विकल्प जो दिया गया है यहाँ पे उसमें से 3 किसी न किसी आधार पे समान है, 1/4 इसमें से भिन्न है, उसको चुनना है। देखते हैं क्या है, या 4 नंबर पे या 7 नंबर पे +3, 7 नंबर पे और 6 नंबर पे -1। ठीक है, और यह आपका कितना है, 6 और 5 फिर से क्या हुआ, -1, तो +3 -1 -1। यहाँ पे चलिए जे आपका 10 पे +3 हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे चलिए आर आपका कितना पे होता है, आर 18 पे, टी होता है 20 पे, या आपका +2 हुआ, +3 नहीं हुआ, तो यही क्या होगा, यही आपका विषम होगा। बाकी समय क्या हो रहा है, +3 +3 वो होता है आपका 15 पे, आर 18 पे +3 पहले लेटर में, लेकिन आर 18 पे और टी 20 पे +2 ही हो रहा है, तो बाकी सबसे यही तो विषम है ना, तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिएगा प्रश्न क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का कुल योग पता लगाएं। प्रश्न है कि पहला n प्राकृत संख्याओं का योग पता लगाइए। इसके लिए पहला कथन क्या है कि Sn बराबर, यानी सम ऑफ n टर्म बराबर n (n+1/2), जहां n = 50। इससे तो हम लोग बहुत ही आराम से प्रथम n पदों का योग निकाल सकते हैं,
एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आराम से निकल जाएगा। एन के जगह जो भी जितने पद का योग पूछेगा उसको हम लोग रख देंगे, मैथमेटिक्स है यह तो। दूसरा, दी गई संख्याओं में से कुछ सम और कुछ विषम है, संख्या कुछ सम है कुछ विषम है, इसको पता लगा करके हम उन संख्याओं का सम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए दूसरा जो है वह कथन पर्याप्त नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल कथन एक पर्याप्त है। एन प्राकृत संख्याओं का योग हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, यानी जो कथन एक है उसके बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में 723 का अर्थ है वी फील गुड। देखिए 723 का अर्थ क्या है, 723 का अर्थ है वी फील गुड, ठीक है, वी फील गुड। आगे चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का यह क्वेश्चन है। 728 का अर्थ देखिए, 728 का अर्थ क्या है, फील गुड फैक्टर, फील गुड फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और डाटा दिया है 9731, देखिए 9731 इसका अर्थ क्या है, 9731 का अर्थ है वी डेफिनेटली फील सो, वी डेफिनेटली, वी डेफिनेटली फील सो, यही तो है ना, वी डेफिनेटली फील सो। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या डेफिनेटली के लिए आया है यह हमें बताना है। अच्छा, इस दोनों में सबसे पहले देखिए तो चेक करिए तो 7272, हम ऐसा करते हैं तीनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है तीनों में। तो देखिए फील यहाँ पे भी है, फील यहाँ पे भी है और फील यहाँ पे भी है, तीनों में एक ही वर्ड आपका कॉमन है फील। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब तीनों का एक कोड कॉमन होगा। तो तीनों में देख लीजिए कौन सी संख्या कॉमन है, 7 कॉमन है, इसका मतलब 7 जो है ना किसका कोड हो गया, फील का हो गया। चलिए 7 का काम कर लिए, 7 किसका कोड हो गया, फील का हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, आगे अब चेक करते हैं कि कॉमन क्या क्या है, इसमें और इसमें और इसमें कॉमन दिख रहा है कुछ, इस दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन आपका दिख रहा है वी दिख रहा है, ठीक है, वी दिख रहा है। तो चलिए यहाँ भी वी है और यहाँ भी आपका क्या है, बी है, दोनों जगह क्या है, बी है, दोनों जगह बी है, तो इस दोनों में एक कोड कॉमन होगा, कोड कौन सा देख लीजिए कॉमन है, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका वी का कोड 3 हो जाएगा। दोनों जगह से चेक कर लीजिए वी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब कुछ कॉमन देखते हैं कि क्या है, 9 1, इसमें 9 नहीं है, 1 नहीं है, दोनों में से कहीं में कहीं 9 1 नहीं है, इसका मतलब जो 9 और 1 है ना वह कोड इस दोनों का होगा, डेफिनेटली और सो का हो जाएगा। तो बोला है डेफिनेटली को कौन दर्शाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या हम यह तय कर पा रहे हैं कि डेफिनेटली और सो है ना 9 और 1 में से कौन डेफिनेटली का कोड होगा, है ना, 9 भी हो सकता है इसका कोड और 1 भी हो सकता है, तो हम अपना आंसर क्या चुनेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यह था आपका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।